नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संयोग है या फिर प्रयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे के बीच कानपुर में पत्थरबाजी और बमबाजी, रण क्षेत्र में तब्दील हुई सड़कें। कानपुर शहर में दो समुदायों के बीच बवाल हो गया, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी, बमबाजी और लाठीचार्ज से सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हो गयी। कथित तौर पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम पहले से तय था, तो आज ही के दिन बंद का आह्वान क्यों किया गया? कई मस्जिदों में भड़काऊ तकरीरों की भी सूचना है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूर्व नियोजित घटना है? जुलूस कैसे निकला और हिंसा का इंतजाम कैसे हुआ? इसको लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूचना के मुताबिक पेट्रोल बम चले, फायरिंग भी हुई, अब तक 6 लोग घायल भर्ती कराए गए। मुकेश पाथम, संजय शुक्ला, उत्तम गौड़, मंजीत यादव, राहुल त्रिवेदी, अमर पाथम। मुस्लिम बहुल इलाकों में था तनाव। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में कारोबार पूरी तरह बंद रहा। जौहर फैंस एसोसिएशन और मुस्लिम तंजीमों ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय से कारोबार बंद रखने की अपील की थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला, कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण बंदी दिखाई दी। अनुमति के बावजूद सड़कों पर निकला जुलूस, आखिर कहां से आए पत्थर? पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने किसी भी क्षेत्र में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। फिलहाल कानपुर के सीपी विजय मीणा का दावा है कि हालात सामान्य हैं। अब तक 15 से 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं दो अन्य लोग घायल हैं। कानपुर से धर्मेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट। कुछ लोग, कुछ नए लड़के अचानक 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी, उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था लेकिन करीब 8-10 सिपाही, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी, मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे, जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनकी चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है।